अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 ऑफ़ योर बुक एक्सेल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है ना, मैं कहती हूँ कि वाइवा अगर किसी ने स्टार्ट करना होता है तो मोस्टली इसी से करते हैं। वो पूछते हैं व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, और जिसको हेल्थ की डेफिनेशन नहीं ना आती तो फिर उसके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि हेल्थ की बहुत अच्छी डेफिनेशन याद कर लेनी है। हर वक्त आपको याद हो, कोई भी आपसे किसी भी टाइम पूछे तो आपने साथ ही बता देना है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, सबसे पहले तो आपने बताना है कि इट इज़ अ स्टेट, उसके बाद बताना है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल, मतलब फिजिकली भी आप फिट हो, मेंटली भी आप फिट हो, सोशली भी आप फिट हो, वेलबींग में हो, तो उसको हम हेल्थ कहेंगे। और नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, कि ये नहीं है कि किसी को डिजीज़ नहीं है, कोई इन्फॉर्मिटी मतलब कोई वीकनेस नहीं है किसी भी तरीके से, तो मतलब उसको डिजीज़ नहीं है, कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। हेल्दी मींस कि वो फिज़िकली फिट है, मेंटली फिट है, फिट है और सोशली भी फिट है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द हेल्दी पर्सन। तो हेल्थ की डेफिनेशन हो गई WHO के अकॉर्डिंग। सो इसमें क्या आएगा, फिज़िकल वेलबींग होगी, मेंटल वेलबींग होगी और सोशल वेलबींग होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है कि डिजीज़ क्या होती है। हेल्थ का तो हमने डेफिनेशन देख लिया, डिजीज़ क्या होती है, तो वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी की जो हेल्थ होती है वो इम्पेयर हो जाती है, सिंपल सी बात है, और डिपार्चर हो जाता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ से डिपार्चर हो जाएगा। एंड ऑल्टरेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वाइटल फंक्शन, के उसके जो वाइटल फंक्शंस होंगे अब वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो ये वेबस्टर की डेफिनेशन है, ऑक्सफर्ड इंग्लिश की है, और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन हैं डिफरेंट। तो इसमें से यही होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस, पहली बात। दूसरा ये कि इसमें हेल्थ इंपेयर हो जाता है। तीसरा ये कि पेशेंट जो है उसको नहीं पता होता कि मुझे डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है, पेशेंट मे नाउ द डिजीज़ ही सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ और नॉट, तो ये बात होती है। अब फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है, अब उसको पता तो नहीं है ना कि मुझे कैंसर है, वो अंदर ही अंदर फैल रहा है, तो डैट इज़ अ डिज़ीज़। ठीक है, तो डिज़ीज़ का पता भी हो सकता है और नहीं भी पता हो सकता। अगर तो सब्जेक्टिव, मतलब जिस पर्सन को डिज़ीज़ है उसको सिम्टम्स आते हैं और जो हम देखते हैं वो साइंस होते हैं, आपको इस बात का पता होगा, बहुत आप पढ़ चुके हैं। सो हमने इसको डिस्टिंग्विश करना होता है डिज़ीज़ को इलनेस से और सिकनेस से। सिंपल सी बात होती है, डिज़ीज़ वही होती है ना जो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकली बंदा बीमार हो जाता है, उसको हम डिज़ीज़ कहते हैं। इलनेस क्या होती है कि सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ पर्सन हु फील्स अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल, कि मैं जो फील कर रही हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, सब्जेक्टिव स्टेट है, मेरी अपनी फीलिंग है जो मैं फील कर रही हूँ। ठीक है, सो डैट इज़ अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ अ पर्सन हु फील्स अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ यार मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को तो नज़र नहीं आ रहा, तो वो क्या होगी, इलनेस होगी। और सिकनेस क्या होती है कि सोशल डिसफंक्शन हो जाता है, कि जो रोल अज्यूम करता है कि इंडिविजुअल व्हेन इल, कि फॉर एग्जांपल वो सोशली उसकी क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं बीमार हूँ तो मैं अपने आप को बुरा फील कर रही हूँ, मतलब बीमार फील कर रही हूँ, तबीयत मेरी ख़राब है, तो दैट इज़ सिकनेस। और उस सिकनेस की वजह से मैं कॉलेज नहीं जा सकती, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, अपना काम नहीं कर पाती, या मैं जॉब अगर कोई करती हूँ तो उस पर मैं नहीं जा पाती उस वजह से, तो दैट इज़ एक्चुअली द सिकनेस, के जो लोग बताते हैं कि लोग एक्चुअली एज्यूम करते हैं कि बीमार है इस वजह से नहीं आ रहा, और इस तरह से। ठीक है, अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ की और डिज़ीज़ की, तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ हमारी हेल्थ है और दूसरी तरफ हमारी डिज़ीज़ है। हेल्थ में क्या है, पॉजिटिव हेल्थ है, पॉजिटिव हेल्थ है जिसमें क्या है कि बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, किसी किस्म की, जैसे आपके बुक में लिखा हुआ, इट इम्प्लाइज द नोशन ऑफ द पर्सन ऑफ द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड, कि जिसमें हमारा दिमाग, हमारा जहन परफेक्टली फंक्शन कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, लेकिन अभी जैसे मेरे सर में दर्द है, तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ पॉजिटिव हेल्थ, मुझे लग रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव हेल्थ नहीं है। मतलब कि फिर आता है बेटर हेल्थ। ठीक है, फिर होती है फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, ये सारा क्या है, हेल्थ है। और डिज़ीज़ क्या है, एक डिज़ीज़ वो हो सकती है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, कि जिसको मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, वो अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस है। और फिर माइल्ड सिकनेस होती है, फिर सीवियर होती है, फिर डिसेबिलिटी हो जाती है, फिर डेथ या रिकवरी हो जाती है। सो दिस इज एक्चुअली द स्पेक्ट्रम ऑफ द डिज़ीज़, हेल्थ स्पेक्ट्रम, हेल्थ सिकनेस स्पेक्ट्रम, कि वन एंड पे हेल्थ है और दूसरे एंड पे डिज़ीज़ है। ठीक हो गया, फिर इन्होंने वही बताया कि एक साइड पे हेल्थ है और दूसरी साइड पे डिज़ीज़ है। अब जो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन हमने देखी है ना, उसमें ये कहते हैं कि हेल्थ इज़ अ स्टेट, हेल्थ एक स्टेट नहीं है, ये डायनेमिक प्रोसेस है, कभी इंसान ठीक हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है। ठीक है, एक दिन की अगर बात करें तो सुबह इंसान फ्रेश होता है, रात के टाइम उसको बीमार होना शुरू हो जाता है, थक जाता है, तो दैट इज़ एक्चुअली द डायनेमिक प्रोसेस। और ये WHO की जो डेफिनेशन है ना, ये आइडियलिस्टिक है, मतलब आइडियल लेवल तो कोई नहीं होता ना, सो दैट इज़ एक्चुअली नॉट, मतलब ये आइडियल है जो कि रियलिस्टिक नहीं है। रियल लाइफ में तो नहीं ऐसे होता ना कि इंसान जो है वो फिज़िकली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो, और बिल्कुल ही वेलबींग में नहीं होता हर इंसान। ठीक है, कोई ना कोई उसे होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, और डिफ़िकल्ट टू ऑपरेशनलाइज, हेल्थ इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मोस्टली इंपॉर्टेंट यही है कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ डायनेमिक, इट इज़ अ स्टेट, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, और यह है कि रियलिस्टिक गोल को नहीं है। फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ क्या होता है।
स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ क्या होता है, जैसे एक लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना, कि एक साइड पे बिल्कुल हमारी विजिबल लाइट्स होती हैं और दूसरी साइड पे वो लाइट्स होती हैं जो बिल्कुल ही मतलब नॉन विजिबल होती हैं, और इस तरह की वो स्पेक्ट्रम पूरा होता है वाइट लाइट्स का, ठीक है। इसी तरह हमारे हेल्थ का स्पेक्ट्रम होता है कि इसमें ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डिजीज़ की जो वेरिएशन आती हैं, मैनिफेस्टेशन आती हैं उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आपकी जो टीबी होती है, वो लेप्रोसी होती है, उसकी टू टाइप्स होती हैं। यहाँ पे वो पढ़ने की याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ कि एक ट्यूबरकुलॉइड होती है लेप्रोसी, और एक लेप्रोमेटस होती है। ट्यूबरकुलॉइड जो होती है वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन लेप्रोमेटस जो होती है ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो एक ही डिजीज़ है लेकिन उसके स्पेक्ट्रम है कि वो एक माइल्ड की तरफ भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। जैसे इन्होंने यहाँ पे लेप्रोसी का स्पेक्ट्रम बना के दिखाया हुआ है कि ट्यूबरकुलॉइड वाली यहाँ पे है जो बिल्कुल स्टेबल स्टेट वाली होती है, और लेप्रोमेटस बिल्कुल ही ख़राब वाली स्टेट की होती है। तो ये दरमियान वाली क्या है कि फिर बॉर्डर लाइन होता है, फिर मिड बॉर्डर लाइन होता है, फिर बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस होता है, और फिर पेशेंट पूरा एक होता है जो लेप्रोमेटस होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक एंड में बिल्कुल एक सब क्लिनिकल या अनअपरेंट इन्फेक्शन है यहाँ पे करके, सब क्लिनिकल है, और जैसे जैसे हम आगे तक जाते जा रहे हैं तो ये फैटल, यहाँ पे लेप्रोमेटस के बाद फैटल एंड है, ठीक है। तो एक एंड सब क्लिनिकल है और दूसरा एंड क्या है, फैटल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेंजिंग ऑफ सिवेरिटी है माइल्ड से लेके सीवियर तक। तो लेप्रोसी इसकी एक्सेलेंट एग्जांपल है ऑफ द स्पेक्ट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजीज़, ठीक है। उसके बाद आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ क्या होगा कि देखिए आइसबर्ग क्या होता है, आपको पता है ये हमारी एक लाइन होती है लिमिटेड, इसके ऊपर एक आइसबर्ग का वो पोर्शन होता है जो ऊपर नज़र आ रहा होता है, एक वो पोर्शन होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, वो नीचे समंदर में छुपा होता है। तो हम तो सिर्फ ये वाले ऊपर वाले हिस्से को ही देख सकते हैं ना, हम तो नीचे वाले हिस्से को नहीं देख सकते, वो तभी हम देखेंगे जब अंदर जाएंगे पानी के। तो जो ऊपर वाला एंड होता है ना, इसी तरह हमारी डिजीज़ होती है कि जो उसका ऊपर वाला एंड होता है ना, वो वाला एंड होता है कि जो हमें नज़र आ रही होती है, जिसको हम देख के बता सकते हैं कि ये बंदे को डिजीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिजीज़ रख लें, तो वो क्लिनिकली जो एविडेंट पार्ट होगा ना वो डिजीज़ का, वो ऊपर होगा, और जो हमारा छुपा हुआ हिस्सा होगा ना, कि कुछ लोग होते हैं उनको डिजीज़ होती है और हमें नज़र नहीं आ रही होती कि वो डिजीज़ है, तो वो सब क्लिनिकल डिजीज़ होते हैं। तो सर्टेन पोर्शन ऑफ दिस में भी डिटेक्टेबल बाय स्क्रीनिंग, इसलिए हमने स्क्रीनिंग का चैप्टर देखा था, और उसमें हमने कहा था कि डिज़ीज़ बंदे को हुई होती है, हमें नहीं पता होता, हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को सर्वाइकल कैंसर है, तो वो छुपा हुआ कैंसर है, हमें नज़र नहीं आ रहा, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते यहाँ तक कि हम उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट ना कर लें, हम कोइलोसाइट्स ना देख लें जब तक माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हम फिर देख गएंगे कहाँ इसको सर्वाइकल कैंसर है, तो क्योंकि वो छुपी हुई डिजीज़ थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ से रिलेट करता है, कि जो डिजीज़ इन कम्युनिटी होती है उसको हम आइसबर्ग से कम्युनिटी में कंपेयर कर सकते हैं। जो हम देख सकते हैं वो क्लिनिकल केसेस होते हैं, और वो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे होते हैं, और जो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है वो हिडन मास होता है डिजीज़ का, जो कि लेटेंट होता है, अनअपरेंट होता है, प्री सिम्टोमेटिक पोर्शन होता है, अनडायग्नोज्ड पोर्शन होता है, ठीक है, जो कि नीचे छुपा होता है, कैरियर्स इन द कम्युनिटी नीचे छुपे होते हैं सारे। तो ये जो वाटर लाइन है कि एक्चुअली जो मैंने लाइन ड्रॉ किया वाइट कलर की, दिस इज़ एक्चुअली द डिमार्केशन बिटवीन द एपरेंट एंड द अनएपरेंट डिजीज़। फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन, एनीमिया, मैलन्यूट्रिशन, मेंटल इलनेसेस, ये सारी छुपी हुई हैं हमारे नीचे, ठीक है, ये सारी हमारी ना नीचे छुपी हुई हैं, और हम कभी मतलब बहुत सी ऐसी डिजीज़ छुपी हुई हैं और हमारा जो फोकस है वही है उनके ऊपर ही, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनके जस्ट आपने मोस्टली इसी तरह याद करने हैं इनकी जो हैं, सॉरी हम पढ़ने लगे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पहले। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं हमारी बुक में के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, उसमें क्या है, हेरिडिटी होता है, इन्वायरमेंट होता है, लाइफस्टाइल होता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होते हैं, हेल्थ सिस्टम एंड हेल्थ सर्विसेज होते हैं। इनको हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपने इनकी नाम ही जस्ट याद रखने हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अब देखें कि हेरिडिटी क्या होगा, कि किसी भी पर्सन की हेल्थ को कौन डिटर्मिन करता है। सबसे पहले उसकी हेरिडिटी, मतलब उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एनोमली तो नहीं है उस पर्सन के अंदर, उसके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रॉब्लम है, उसकी मेंटल रिटार्डेशन या इस तरह की डायबिटीज़ वगैरह कुछ होती है ना डिजीज़, जो कि जीन से रिलेटेड होती है, वो सारी इसमें आ जाती हैं। तो उसकी हेल्थ डिपेंड करती है कि वो उसके अंदर कोई हेरिडिटरी एसोसिएशन तो नहीं है किसी डिजीज़ की। फिर उसकी हेल्थ डिपेंड करती है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है और उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। इंटरनल में क्या आएगा कि उसके अंदर के जो बॉडी ऑर्गेन्स हैं, टिश्यूज़ हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे, उनकी हेल्थ कैसी है। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के वो जिस जगह पे रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है। फिर उसका लाइफस्टाइल कैसा है, फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल ही जो है लो स्टैंडर्ड का है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब ये कह सकते हैं कि
जो पुअर लोग होते हैं उनकी उनके अंदर कौन सी मतलब लाइफस्टाइल उनका कैसा होता है, लैक ऑफ सैनिटेशन होती है, उनकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं होती, तो वो सारा उनका लाइफस्टाइल के ऊपर आ जाएगा। फिर कुछ हाई स्टैंडर्ड्स के जो लोग होते हैं जो कि एक्चुअली जिनको हर वक्त सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, खाना पीना सोना इस तरह की चीज़ें, तो उनके अंदर क्या चीज़ें कॉमन होंगी, ओबेसिटी। फिर कुछ लोग होते हैं वो जो अल्कोहल पीते हैं इस तरह के, वो सारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर एमसीक्यू में आए ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बायर होता है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, वो क्या होता है किसी भी कंट्री का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के हर जो बंदा है उसकी कितनी इकोनॉमी है, कितना कमा रहा है, ठीक है, पर कैपिटा कि हर पर्सन जो है एक कंट्री का एवरेज कितना कमा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एवरेज मेरे ख्याल से 30,000-40,000 इतने लोग कमा लेते हैं एवरेज, ठीक है। तो ये हो गया पावर कैपिटल जीएनपी। उसके बाद एजुकेशन आ जाती है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस में एजुकेशन आ जाती है। अब देखें अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे स्टडी के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है, तो हम इसलिए एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। और हमारी न्यूट्रिशन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट हमारे घर वाले जो है वो कमा के देते हैं, हम आराम से पढ़ सकते हैं, और हाउसिंग भी डिपेंड करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर अच्छा है। तो मतलब कि हर एक के घर वेरी करता है, हर एक एनवायरनमेंट, हर एक की न्यूट्रिशन, हर एक की मतलब वेरी करेगी, उसके मुताबिक उसकी हेल्थ होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हेल्थ सिस्टम एंड हेल्थ सर्विसेज के, जो हमारी कम्युनिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं वो कितनी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के वो इम्यूनाइजेशन बच्चों की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे वाटर सप्लाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सारी हेल्थ सर्विसेज के ऊपर आ जाता है ना। और फिर आता है अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में फॉर एग्जांपल के फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस इनकी आपको हेडिंग्स आनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर हम करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, तो ये सब क्या है, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स हैं। फिर हमने देखने हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ क्या हैं, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ क्या होते हैं किसी भी जगह के, वो हम स्टडी करेंगे। जब हम ये सारा टॉपिक पढ़ लेंगे ना फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि ये चेंज इसको मेयर करता है, ठीक है, स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी को मेयर करता है कि किसी भी कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हेल्थ कैसी है, और ओवरऑल कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी कंट्री की हेल्थ को डिटर्मिन करते हैं, किसी भी एरिया की हेल्थ को डिटर्मिन करते हैं। इसकी सिंपलेस्ट आजकल की एग्जांपल के लाहौर के अंदर आजकल कितनी एयर पोल्यूशन है ना, तो वहाँ पे इंडिकेशन जो है वो हेल्थ की क्या होगी, मतलब कि वहाँ की एयर पोल्यूशन जो है उसके मुताबिक उसकी हेल्थ होगी ना उस सिटी की, ठीक है। तो इस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जो एक्चुअली क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं विच हेल्प टू मेजर द चेंजेस, ठीक है। दे आर नॉट ओनली एन इंडिकेशन ऑफ अ गिवन सिचुएशन और अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। अब जो इंडिकेटर्स की करैक्टरिस्टिक्स होती है ना वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होती हैं। आइडियल इंडिकेटर क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है, वैलिडिटी होती है उसकी, ठीक होती है। दूसरा क्या होता है, रिलायबल होता है, रिलायबल आप कह सकते हो, जैसे वो कहते हैं डॉलेंस रिलायबल है, ठीक है, तो मतलब गुड क्वालिटी का है, ट्रस्टेड है, उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, उसकी क्वालिटी ऐसी है, ठीक है, वो अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। तो हमने अपने इंडिकेटर की तारीफ इस तरह से करनी है कि वो जो है ना रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। फिर सेंसिटिव होना चाहिए, जैसे बहुत से जो है वो हाई सेंसिटिव लोग होते हैं, थोड़ा सा भी उनको टच करो तो रोना शुरू कर देते हैं इस तरह से, तो हाईली सेंसिटिव पीपल जैसे होते हैं ना, तो हमारा जो इंडिकेटर होना चाहिए वो भी हाईली सेंसिटिव होना चाहिए कि थोड़ी सी भी चेंजेस को वो डिटेक्ट कर ले, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए कि हमारा जो इंडिकेटर होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं सिर्फ वही बताए, ठीक है, इंडिकेट की जो है ना बातें ना करें, बी स्पेसिफिक होना चाहिए हमारा इंडिकेटर। फिर क्या होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए, फीजिबल क्या होता है कि पॉसिबल होना चाहिए, जो हम चीज़ डिटेक्ट करना चाह रहे हैं उसको वो कर ले, ठीक है, फीजिबल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट क्या होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं वही स्पेसिफिसिटी के साथ आ जाता है कि रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। फिर इंडिकेटर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मॉर्टेलिटी इंडिकेटर्स, जिनके आपको जो है वो नाम आते भी होंगे पहले से, बहुत से क्रूड डेथ रेट होता है, स्पेसिफिक डेथ रेट होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, ये सारे होते हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं। क्रूड डेथ रेट सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ डेथ्स एक साल में कितनी हो रही हैं, ठीक है, किसी भी इन्फेंट मॉर्टेलिटी क्या है कि जितने भी पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने इन्फेंट्स जो हैं एक साल से, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मर रहे हैं, ठीक है। और फिर अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट होता है कि जितनी भी लाइफ बर्थ्स हो रही हैं उनमें से कितने बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र में मर जाते हैं, ठीक है। और फिर होती है मेटर्नल मोर्टेलिटी के, जितनी वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज की, ठीक है, उनमें से कितनी उनकी डेथ्स हो रही हैं। फिर डिजीज़ स्पेसिफिक है कि जितनी भी पॉपुलेशन में किसी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर की वजह से, फॉर एग्जांपल टीबी की वजह से, फॉर एग्जांपल डिजीज़ स्पेसिफिक डेथ रेट क्या है, ठीक है। उसके बाद है कि आपका एक ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट, कि फॉर एग्जांपल एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी भी जगह की, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि 85 है, कि 85
साल तक जो है ना लोग ज़िंदा रहते हैं मोस्टली उस जगह के, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो 80 साल में मर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं 20 साल में मर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो 50 साल में मर जाते हैं, कुछ लोग पैदा होते ही मर जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, हर एक की जितनी ज़िंदगी होगी उतना ही वो गुजारेंगे। तो हमने ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, जो हमारी रेफरेंस एज होती है ना किसी भी जगह की, उसमें से ना हमने माइनस कर देना होता है जितनी साल में वो मर गया। जैसे 80 साल में मर गया तो हम 85 माइनस 80 करेंगे, ये 20 में मर गया तो 85 माइनस 20 कर देंगे, ये 50 में मर गया तो 85 माइनस 50 कर देंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअली क्या होगा, ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट, कि जो पोटेंशियल लाइफ थी वो उसकी लॉस हो गई है, ठीक है। फिर आते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में वी हैव द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, नोटिफिकेशन रेट्स, अटेंडेंस रेट्स, एडमिशन रेट्स वगैरह और ये सब कुछ, ठीक है। इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स होते हैं कि ये हमें बताते हैं इंसिडेंस और प्रेवलेंस रेट, हमने पढ़ चुके हैं कि इंसिडेंस क्या होता है, न्यू केसेस कितने आ रहे हैं किसी भी डिजीज़ के, और प्रेवलेंस क्या है कि जो न्यू प्लस ओल्ड केसेस हैं, प्रेजेंट केसेस हैं वो कितने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे वही हैं जो मैंने आपको बताने हैं। अच्छा, फिर डिसेबिलिटी रेट्स कितने हैं, कि एक बंदा है वो डिसेबल कितना रहा है अपनी ज़िंदगी में, कभी उसकी आँख चली जाती है ज़िंदगी में, कभी उसका बाजू टूट जाता है, कभी उसकी टांग टूट जाती है, तो जितना उसकी ज़िंदगी में जो है वो कितने डेज ऐसे थे जिसमें वो डिसेबल गुजारे, ठीक है, तो वो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दफ़ा मुझे पाँव पे चोट लग गई थी, 2 दफ़ा आई थिंक, तो मैं क्या हो गई थी, डिसेबल हो गई ना थोड़ी देर के लिए, 15 दिन के लिए, तो वो 15 दिन मेरे जो क्या थे, दैट वॉज एक्चुअली द डिसेबिलिटी, मेरा जो रेट था लाइफ का वो निकालूंगी फिर मैं अंदर से। तो प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, ये तो ऊपर वाला था मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में, कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स किसी भी जगह पे हो रही हैं उनमें से टीबी की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं। ये वैसे डिजीज़ स्पेसिफिक रेट्स में से ही आ जाता है, लेकिन ये होता है कि इसमें ना हर डिजीज़ में से जितनी डेथ्स हो रही हैं ना उसमें से हमने एक स्पेसिफिक डिजीज़ का ले लेना है कि इस डिज़ीज़ की वजह से कितना हो रहा है। मैंने आपको एपिडीमियोलॉजी में पढ़ाया था ऑलरेडी, ठीक है। और केस फर्टिलिटी रेट आ जाता है, तो किसी भी डिज़ीज़ का जो केस है वो क्या है, कि जितने नंबर ऑफ़ केसेस थे उनमें से कितनी नंबर ऑफ़ डेथ्स हो रही हैं। फॉर एग्जांपल कोविड के इतने टोटल केसेस है 1000 फॉर एग्जांपल, उसमें से कितने लोग मर रहे हैं, 50 लोग फॉर एग्जांपल मर रहे हैं, तो वो डिज़ीज़ कितनी जो है ना लोगों को मार रही है, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली द केस फर्टिलिटी रेट। उसके बाद ये भी वही है। अच्छा, फिर आता है कि ये मैंने किसके लिए बनाया था, हाँ, नोटिफिकेशन रेट। नोटिफिकेशन रेट ये होता है नोटिफिकेशंस पर 100,000, कि किसी भी डिज़ीज़ की जो डिज़ीज़ हो रही है उसमें से कितने लोगों को नोटिफाई किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल टीबी के थे, ठीक है, तो कितने जो हैं वो हर साल बताया जा रहा है कि 1992 में इतने लोगों की नोटिफिकेशन हुई इस डिज़ीज़ के बारे में, 2001 में इतने लोगों की हो गई, तो ये सारा नोटिफिकेशन होता है कि डिज़ीज़ जो डायग्नोज की जा रही है टीबी की, ट्रीट की जा रही है, नोटिफाई की जा रही है हेल्थ अथॉरिटीज़ को, वो सारी इन्होंने मेजर करनी होती है, ठीक है। फिर होते हैं कि एडमिशन अंदर डिस्चार्ज रेट्स, के एडमिशन ऑफ द पेशेंट्स टू हॉस्पिटल कितने हो रहे हैं, ठीक है, हम स्पेसिफिक टाइम वगैरह में ले लेते हैं कि इतने लोग एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में, या इतने लोग जो हैं इतनी ज़्यादा हो गई है ये तो, हाँ। और फिर इसी तरह हम करते हैं कि जो डिस्चार्ज रेट्स कितने हो रहे हैं, कि हॉस्पिटल से लोग डिस्चार्ज होकर कितने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ आउट पेशेंट अटेंडेंस रेट्स, ठीक है। अटेंडेंस रेट्स क्या होते हैं, कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब कि आउट पेशेंट आपको पता है ना, वो लोग जो सिर्फ अपनी बीमारी को चेक करवाने के लिए आते हैं, एडमिशन होने के लिए नहीं आते हॉस्पिटल में, उनको आउट पेशेंट क्लिनिक में जो लोग होते हैं उनको कहते हैं। कोई एक हॉस्पिटल में कितने आउट पेशेंट सर्विसेज हो रही हैं, ठीक है, वो आया जाएगा। ये डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं हॉस्पिटल से, ठीक है, हॉस्पिटल से घर की तरफ, घर से हॉस्पिटल की तरफ। घर से हॉस्पिटल जाएंगे तो वो एडमिशन रेट्स होंगे, और हॉस्पिटल से घर जाएंगे तो वो हमारे होंगे डिस्चार्ज रेट्स, ठीक है। फिर ये होता है कि कितनी लेंथ ऑफ स्टे, मतलब ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, की एक मरीज़ बीमार है वो कितनी देर हॉस्पिटल में रहेगा, ठीक है, ये होगा ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये मैंने सिकनेस का ऐड किया था, कि सिकनेस इतनी सी होती है जो सोसाइटी बताती है ये डिज़ीज़ है, और इलनेस ज़्यादा लोग इलनेस में ही होते हैं, अपने आप को ये बीमार फील करते हैं। फिर आती है डिसेबिलिटी रेट्स, ठीक है। डिसेबिलिटी रेट्स दो तरह की होती है, इवेंट और पर्सन। इवेंट में क्या है कि कितने जो लोग थे वो कितने दिन जो है ना कोई एक्टिविटी नहीं कर सके, या बेड डिसेबिलिटी डेज़ क्या है, वर्क लॉस डेज कितने हो रहे हैं, कि वो कितने मतलब बीमार हैं तो उसकी वजह से वर्क पे नहीं जा सकते, जॉब पे नहीं जा सकते। पर्सन टाइप इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसमें दो आ जाती हैं, लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। मोबिलिटी क्या है, एक बंदा बीमार है और वो जो है ना अपने बेड पर ही कन्फाइंड है, वो नहीं जा सकता, अपने बेड से नहीं उठ सकता ना, तो वो लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी होगी। और लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी के वो कोई काम नहीं कर सकता, वो खा पी नहीं सकता, वो अपना खुद कपड़े नहीं चेंज कर सकता, ये सारे आ जाते हैं। तो ये डिसेबिलिटी रेट्स होते हैं किसी भी जगह के। सुलिवेंस इंडेक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम मेजर करते हैं कि किसी भी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, कि लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी के जो लाइफ है वो डिसेबिलिटी के बगैर कितनी एक्सपेक्ट की जाती है। तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी
ठीक है, कि डिसेबिलिटी के बगैर लाइफ की कितनी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल के किसी की 85 इयर्स जो है ना वो डिसेबिलिटी के बगैर लाइफ गुजारता है, और वैसे उसकी जो है वो लाइफ थी जो है 70, मतलब कर लो, अच्छा कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट, इसकी एग्जांपल ये दी हुई है कि यूएसए में 1965 में क्या था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ फॉर ऑल पर्सन्स क्या थी, 70.2 थी, और अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी कितनी हो गई, कम हो गई, ठीक है, 64.9 ईयर्स हो गई, ठीक है, क्योंकि 70.2 में डिसेबिलिटी वाले ईयर्स भी ऐड थे। तो ये क्या होती है, सुलिवन्स इंडेक्स होता है। तो इसको हम सिंपली ना इस तरह से निकालते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, टोटल जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, ठीक है, माइनस प्रोबेबल डिसेबिलिटी ड्यूरेशन, ठीक है, प्रोबेबल जो गालिबन उसकी जो डिसेबिलिटी ड्यूरेशन थी, इसको अपनी बुक में लिख लें इस इक्वेशन को, फिर आपको समझ आएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस प्रोबेबल डिसेबिलिटी ड्यूरेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये नीचे वाली एग्जांपल में क्या है कि जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कितनी थी, 70.2 थी, ठीक है, और फ्री ऑफ डिसेबिलिटी जो थी वो उन्होंने 64.9 निकाली, मतलब प्रोबेबल डिसेबिलिटी ड्यूरेशन जो थी ना वो 70 - 64 थी, ठीक है। तो ये हो गया, तो सुलिवन्स इंडेक्स क्या होता है कि इट इज़ द कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी द माइनस प्रोबेबिलिटी ड्यूरेशन ऑफ बेड डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू परफॉर्म द मेजर एक्टिविटी। सिंपल से बात है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। फिर आता है हेल, हेल क्या होता है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ बर्डन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि इट इज़ अ नंबर ऑफ ईयर्स इन फुल हेल्थ दैट अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव बेस्ड ऑन द करंट रेट्स ऑफ इल हेल्थ एंड मोर्टेलिटी। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि मेल जो है ना उनकी जो मतलब अनहेल्दी स्टेट में उनकी जो ज़िंदगी है ना वो इतनी गुजरती है, 7.7 ईयर्स, ठीक है, और बाकी उनकी 70.9 होती है जो हेल्दी गुजरती है, ठीक है। इसी तरह फीमेल्स है ना तो उनकी जो हेल है ना मतलब हेल्दी स्टेट में जो उनकी लाइफ गुजरती है वो 74.3 है, और जो 8.1 ईयर्स है ना उनके वो अनहेल्दी स्टेट में गुजरते हैं। तो ये जो उनकी हेल्दी स्टेट में लाइफ गुजर रही है ना ये हेल है, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, के किसी भी पर्सन की जो हेल्दी लाइफ है वो कितनी गुजर रही है, ठीक है। तो हेल सिंपली ये होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस नंबर ऑफ ईयर्स लिविंग इन अनहेल्दी स्टेट्स। तो अनहेल्दी स्टेट जब लाइफ से निकल जाएंगे तो बाकी तो हेल्दी स्टेट्स रह जाएंगे ना, वो जो हेल्दी स्टेट होंगी ना वो हेल होगा, ठीक है। सो इट इज़ अ नंबर ऑफ ईयर्स नॉट लिव्ड विदाउट रिड्यूसिंग फंक्शन, मतलब सिंपल सी बात है कि वो हेल्दी कितना बंदा रह रहा है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर होता है DALY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। ये देखें, अब मैं अपने दादा बुक की एग्जांपल देती हूँ कि वो उनका ना वो 10 इयर्स जो थे ना डिसेबल तकरीबन रहे थे, उनके स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया और वो 10 साल तक जो है ना बेड पे रहे थे, वो चल भी नहीं सकते थे, तो वो डिसेबल हो गए हुए थे, ठीक है। अब उनकी जो डेथ हुई थी ना वो तकरीबन 85 ईयर्स में हुई थी मेरे दादा बुक की, ठीक है, और एक्सपेक्टेंसी फॉर एग्जांपल उनकी 100 थी, ठीक है, और बर्थ ऑब्वियसली जीरो पे होती है। अब देखें कि जीरो से लेके 100 तक उनकी लाइफ थी, लेकिन वो डिसेबल हो गए, उनके 10 साल ज़िंदगी जो है वो डिसेबल में गुजर गई, ठीक है, वो बेड पे रह गए। तो उनकी डेथ जो है वो नॉर्मल 100 पे होनी थी, लेकिन उस डिसेबिलिटी की वजह से उनकी जो डेथ हो गई वो 85 ईयर्स में हो गई, ठीक है। अब जो DALY होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है कि DALY मीन्स दैट कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। इसमें वो तो हेल तो ये था ना कि हेल्दी लाइफ कितनी गुजर रही है, ठीक है, और जो DALY है ना दिस इज़ एक्चुअली कि डिसेबल लाइफ कितनी गुजर रही है, ठीक है। तो इसमें हम जस्ट ये नहीं लेते कि इंसान जो है वो डिसेबल कितना रहा है, इसमें हम क्या लेते हैं, ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी फॉर प्लस ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, कि जितनी उसकी ज़िंदगी के ज़ाया हुए हैं साल, जो कि मेरे दादा को इतने साल ज़ाया हुए हैं ज़िंदगी के, ठीक है, जो उन्होंने गुजारने थे वो उस डिसेबिलिटी की वजह से, प्लस उस डिसेबिलिटी के ईयर्स, तो 10 प्लस ये सारा करेंगे ना तो ये सारा आ जाएगा हमारे पास डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। और अगर हम बात करें डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो वो कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है, ये वाली सारी डिजीज़ फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है हर कंट्री की डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। अच्छा, उसके बाद आता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होती हैं, हाइट्स होती हैं जो हम लेते हैं, ठीक है, लो बर्थ वेट्स होते हैं। तो इसके बाद जो इंडिकेटर्स हैं हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।